अगर आप लोग काफी सारी हेयर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, लाइक आपके बाल स्ट्रॉन्ग नहीं रहे हैं, थिन होते जा रहे हैं, बालों में से फ्रीजीनेस ड्राइनेस दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, कहीं भी आप जाते हैं तो आप बालों की वजह से काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील करते हैं, तो डियर आपने बहुत सही वीडियो पे क्लिक किया है। हाय माय लवलीज, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। दिस इज योर डिंपल एंड आज की वीडियो होने वाली है अबाउट हेयर केयर। लेकिन एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके हेयर को थिक बनाने में, स्ट्रॉन्ग बनाने में, सिल्की स्मूथ बनाने में, या आई थिंक आप लोगों ने सही गेस किया होगा, दैट इज हेयर ऑयल। ऑयलिंग करने से हमारी स्कैल्प हाइड्रेटेड रहती है, इट इंप्रूव्स योर हेयर ग्रोथ, आपके बालों में एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इट ऑल्सो प्रिवेंट डैंड्रफ, आपके बालों को बहुत अच्छा शाइन एंड ग्लो देता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके स्ट्रेस को रिलीफ करता है। इसी वजह से हेयर ऑयल लगाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप किस तरीके से हेयर ऑयल लगाते हैं। अगर आप अच्छे से हेयर ऑयल अप्लाई नहीं करते, आपको सही टेक्निक नहीं पता है, सो आपकी हेयर की प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं जाएगी, आपके बाल ड्राई ही रहेंगे, फ्रीजी ही रहेंगे, थिन होते जाएंगे, हेयर फॉल होता जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द राइट वे ऑफ अप्लाइंग हेयर ऑयल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल, हम कोई ऐसा वैसा ऑयल यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे डाबर आंवला हेयर ऑयल। ये आपके बालों को देगा दुगना पोषण। ये बात मेरे को तब समझ में आई जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे बाल बहुत ही ज्यादा गिर रहे थे, झड़ रहे थे, एंड काफी ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था, मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो गया था, एंड आई डोंट नो मैं क्या करूं। तब मेरी मम्मा ने अपने कुछ फ्रेंड से पूछ के डाबर आमला हेयर ऑयल के बारे में बताया, उन्होंने बोला कि आप डाबर आमला हेयर ऑयल यूज करें, मैं भी वही यूज करती हूँ, बहुत अच्छा ऑयल है। एंड तब से मैंने डाबर आमला हेयर ऑयल यूज करना स्टार्ट किया, एंड रिजल्ट आपके सामने है। नाउ आई हैव रियली लॉन्ग थिक स्ट्रॉन्ग हेयर। डाबर आमला हमारे बालों की देखभाल लगभग 80 सालों से भी ज्यादा से करते हुए आ रहा है, इसलिए मुझे इस हेयर ऑयल पर सबसे ज्यादा भरोसा है, सिर्फ मेरे को ही नहीं, मेरी मम्मा को भी। अब आप सोच रहे होंगे मैं इस ऑयल को ही क्यों रिकमेंड कर रही हूँ, तो गाइज मैं इसका कंपेयर करूंगी मार्केट में मिलने वाले ऐसे ही सस्ते आमला हेयर ऑयल से, और मैं आपको बताऊंगी कि डाबर आमला हेयर ऑयल उससे ज्यादा बेहतर क्यों है। असली आमला डाबर आमला, सस्ते हेयर ऑयल के साथ करेंगे तेल का तेल पानी का पानी। डाबर आमला इज वर्ल्ड नंबर वन हेयर ऑयल। इसका पैकेजिंग टेम्पर प्रूफ है, जो कि इसके कंपटीटर में बिल्कुल भी नहीं है। इससे इसकी प्योरिटी का पता चलता है, एंड इससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। ऑल्सो ये लीकेज से भी बचाता है, जिससे आपका ड्रेसिंग टेबल गंदा नहीं होगा। यहाँ पे मेरे पास है डाबर आमला हेयर ऑयल एंड उसके जैसा ही एक आमला हेयर ऑयल, तो लेट्स जस्ट कंपेयर दीज टू ऑयल्स। कंसिस्टेंसी के बारे में बात करते हैं डाबर आमला ऑयल की। इसकी कंसिस्टेंसी थिक है, वाटर की तरह रनी नहीं है जैसे और आमला हेयर ऑयल के होते हैं। जितना ज्यादा ऑयल थिक होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि आपके बालों को अच्छी पकड़ मिलेगी और आपके बालों को नरिशमेंट मिलेगी। अब बात करते हैं दूसरे आमला हेयर ऑयल की, तो इसकी कंसिस्टेंसी एकदम पतला है, जस्ट वाटर की तरह, लुक एट दिस, एकदम पानी की तरह है इसकी कंसिस्टेंसी। ऑल्सो इतना पतला है, इस वजह से इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी। टेक्सचर की बात करते हैं डाबर आमला हेयर ऑयल की, काफी रिच एंड डेंस लगा मुझे। अब हम इसे थोड़ा सा स्किन पे लगा के टेस्ट करते हैं, काफी जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा है, एंड इससे ये फायदा है कि आपकी हेयर रूट्स में काफी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा विद इन सेकंड्स। ऑन द अदर हैंड ये वाला ऑयल काफी वाटर जैसा फील दे रहा है, इसका टेक्सचर डाबर आमला हेयर ऑयल की तरह रिच नहीं है, स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हुआ, काफी ज्यादा टाइम लिया इसने, सो ऑब्वियसली हेयर रूट्स में काफी ज्यादा टाइम लेगा ये एब्जॉर्ब होने में। गाइस, सस्ती और अच्छी चीज में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, दैट्स व्हाई आई ट्रस्ट एंड प्रेफर ओनली डाबर आमला हेयर ऑयल। अब मैं आपको बताती हूँ सही हेयर ऑयल करने की टेक्निक। तो सबसे पहले आपको अपने बालों को डिटैंगल कर लेना है, आपके बाल एकदम सुलझे हुए हों, उलझे ना हो। अगर आप उलझे बालों पे ऑयलिंग करते हैं तो अभी उसे बंद कर दीजिए, इससे आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ सकती है। सो अच्छे से कोम्ब करने के बाद आपको अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ऑयल लेना है, आपको एक्सेस में ऑयल नहीं लेना है, जितने आपकी हेयर की लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग लेना है। उसके बाद आपको एक कॉटन लेना है, उसे डिप करना है अपने ऑयल में एंड एक्सेस निचोड़ लेना है, उसके बाद आप इसे अपने स्कैल्प पे लगाइए। तो दिस इज द राइट वे, आप हमेशा कॉटन लेके या फिर कॉटन पैड लेके अपने स्कैल्प
पे, हेयर रूट्स पे इस तरीके से लगाया करिए ताकि जितना भी नरिशमेंट है वो हमारी रूट्स में मिल सके एंड हमारे बालों को अच्छा पोषण मिलेगा। अगर आप हाथों से लगाएंगे ना तो इतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, कॉटन से बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। देन आपको थोड़ा सा हेयर ऑयल अपने पाम पे निकाल लेना है एंड उसे इस तरीके से रब करना है ताकि थोड़ा सा वार्म अप हो जाए ऑयल, एंड उसे अपने हेयर लेंथ पे लगाना है। दो पार्टीशन में डिवाइड कर लीजिए एंड लेंथ पे आप लगाइए। मेक श्योर आप अपने एंड्स को अच्छे से ऑयल करिए क्योंकि एंड्स हमारे काफ़ी ज़्यादा ड्राई होते हैं, डैमेज्ड होते हैं, तो वहाँ पे ऑयलिंग की ज़्यादा नीड होती है। अच्छे से अब हम एक एक बालों को ऑयल से कोट कर लेंगे। अब मैं आपको एक टिप बताती हूँ, आपको इस तरीके से अपने फिंगर्स को रब करना है एंड देन अपने हेयर लेंथ पे घुमाना है। इससे क्या होगा, आपके जो ऑयल है वो एक एक बालों में अच्छे से कोट होगा, जैसे आप सीरम लगाते हैं ना सेम वैसी टेक्निक से आपको ऑयल लगाना है। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज हेयर ऑयल मसाज। मसाजिंग के लिए आपको फिंगर टिप्स का यूज करना है। ऑलवेज रिमेंबर, आपको नाखूनों का यूज नहीं करना है। अगर आप नाखूनों का यूज करेंगे तो आप अपने स्कैल्प को हर्ट कर लेंगे, आपके हेयर और डैमेज हो जाएंगे। तो ऑलवेज डू मसाजिंग विथ फिंगर टिप्स एंड इस तरीके से सर्कुलर मोशंस में आपको अपने फिंगर टिप्स को अपने पूरे स्कैल्प पे घुमाना है एंड मसाज देनी है अच्छे से, तकरीबन 5 to 10 minutes। इससे कम आपको नहीं करना है। अगर आप ऑयल लगाते हैं एंड आप चाहते हैं कि आपकी हेयर प्रॉब्लम्स जल्दी से जल्दी सही हो जाए, मसाज करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन लेवल इंक्रीज होता है जिससे आपके हेयर हेल्दी रहते हैं एंड नरिश रहते हैं। अब हम अपने बालों को कॉम्ब करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो हेयर ऑयल है वो एक एक बालों में अच्छे से कोट हो जाएगा। उसके बाद हम एक पोनीटेल बना लेंगे या फिर एक बन बना लीजिए। मेक श्योर आपको बहुत टाइट नहीं बनाना है, ढीला ही बनाना है एंड आपको छोड़ देना है ओवरनाइट या फिर 2 से 3 घंटे पहले हेयर वॉश के। गाइज अब आप सोच रहे होंगे कि आंवला ही क्यों, आंवला हमारे बालों में क्या करता है। तो गाइज आंवला में ना विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी हमारे हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, हमारे हेयर को हेल्दी रखता है, साथ ही साथ हमारे हेयर को लॉन्गर, थिकर, स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। अगर हमारे बालों में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो हमें स्प्लिट एंड्स जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हमारे हेयर ड्राई हो जाते हैं। सो इसी वजह से आंवला हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इसका परचेस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चेक कर लेना एंड आई वुड हाईली रिकमेंड दिस। आई होप गाइस आपके हेयर केयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। ऑल्सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। यस दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।